हेलो इंडिया, प्यारे देशवासियों को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर कुमारप्रीत गोयल है और हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड करियर्स में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आऊँ एसएससी सीजीएल के पेपर जीके 4 जून को जो पेपर हुआ है उसके 100 क्वेश्चंस तीनों शिफ्ट के, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड शिफ्ट का। सबसे पहले आपके लिए कम्प्लीट जीके जिसमें सारी जीके हमने कवर की है। उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत है, नंदा देवी पर्वत का क्वेश्चन आया था थर्ड शिफ्ट का। उत्तराखंड में कौन सा पर्वत है? नंदा देवी पर्वत। सल्तनत काल का काल पूछा गया था 1206 से स्टार्ट होकर 1526 तक। इसके लिए एक ट्रिक मैंने आपको बताया है, जी के तसले में डाल, जी के याद कर उसे तसले में डाल। जी से गुलाम, के से खिलजी, टी से तुगलक, एस से सैयद और एल से लोधी। ये एक ऑर्डर है दिल्ली सल्तनत काल का। 1526 के बाद मुगल काल आ गया था। प्रो वॉलीबॉल लीग के सबसे ज्यादा बार चैंपियन है चेन्नई, और जैसे प्रो क्रिकेट लीग, आईपीएल हो गया, बैडमिंटन लीग हो गया, ये सारी लीग, कबड्डी लीग, ये सारी याद करके जाइएगा कौन कौन जीत चुका है, कब कब जीत चुका है। तो वॉलीबॉल का इसमें आया, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। और एसएससी में देखा गया है हमेशा क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं। तो प्रो वॉलीबॉल सबसे ज्यादा बार चेन्नई ने जीता है। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, एंड तक देखिएगा और लाइक का बटन दबाने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये हमारा मोबाइल नंबर हर शीट में आ रहा है 9837282318, इस पे आप कल के क्वेश्चन भेजें जिन बच्चों का पेपर कल है। हाईएस्ट प्रोटीन किसमें होता है? सोयाबीन में होता है हाईएस्ट प्रोटीन। अनुच्छेद 31 हटा दिया गया है, इसे राइट टू प्रॉपर्टी बोला जाता था जो अब केवल एक लीगल राइट रह गया है, और इसे आर्टिकल 300A में जोड़ दिया गया है। कारनोट अवार्ड किसे मिला है? हमारे रेल मंत्री पीयूष गोयल जी को दिया गया है। किस वंश के थे राजा भोज? राजा भोज थे गुर्जर प्रतिहार वंश के। राजा भोज और गंगू तेली आपने सुना होगा, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली। राज तरंगी पुस्तक किसने लिखी थी? राज तरंगिनी पुस्तक कलहन ने लिखी थी। कई बार आ चुका है क्वेश्चन। रत्नागिरी कहां है? रत्नागिरी महाराष्ट्र में स्थित है। डायबिटीज किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है, इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। फिर विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी रोग। तो विटामिन की पूरी वीडियो मैंने दी हुई है, लगभग 10 मिनट की वीडियो है जिसमें विटामिन को याद करना। जीके ट्रिक्स के नाम से एक फोल्डर है, जीके ट्रिक्स के नाम से 70 वीडियो है जो 10-10 मिनट की है। ये सारी वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपको इसमें से कम 50% क्वेश्चन मिल जाते हैं। मीजल्स रुबेला वायरस डिसीज है, संक्रामक रोग हैं, ये पानी और हवा की कमी से होते हैं, पानी हवा बोर्न डिसीज है। सौराष्ट्र कहाँ है? सौराष्ट्र गुजरात में है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल, पाल वंश जिन्होंने बसाया था। आंख में प्यूपिल यानी कि जो प्यूपिल होता है वो लाइट की स्ट्रेंथ को कम या ज्यादा करता है। कौन सी ब्लड सेल सोल्जर सेल कहलाती है? WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल सोल्जर सेल कहलाती है। विंटर ओलंपिक कहां हुए थे? कनाडा में हुए थे। असम के सीएम पूछा गया सर्बनंदा सोनोवाल। रोजाना अगर आप मेरी करंट की वीडियो देखते हैं तो ये तो आपको चुटकियों में याद हो ही गए होंगे। एक अलग से ट्रिक बना के भी डाली हुई है सीएम गवर्नर की, वो देख लीजिएगा। ये 100 क्वेश्चन पहली बार यूट्यूब पे आपके लिए हम लेके आए हैं एक ही वीडियो में, तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन। इससे आपको बढ़िया अच्छी तरह आइडिया हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आने वाले। सिंगी चाम कहां का डांस है? सिक्किम का, और सिक्किम की राजधानी गैंगटोक है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? यह कैस्पियन सागर है, और फ्रेश वाटर की झील बैकाल झील है। यह वाला क्वेश्चन आया था रशिया में, बैकाल झील कहां है? रूस में है। पहली फीमेल जनरल सेक्रेटरी सार्क कंट्रीज की फातिमा सईद है। पुलकेसिन फर्स्ट चालुक्य डायनेस्टी के संस्थापक माने जाते हैं। पुलकेसिन फर्स्ट ने हर्षवर्धन को हराया था, साउथ में जाने से रोका था। लिविंग वेज का मतलब क्या होता है? काम के बदले अनाज ही लिविंग वेज कहलाता है। फंडामेंटल राइट क्या है? डबल प्रोटेक्ट आर्टिकल कहलाता है। फंडामेंटल राइट को दो तरह से कंट्रोल करता है, दो तरह से प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 32, दोहरा प्रोटेक्शन देता है। फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में और हाई कोर्ट में 226 आर्टिकल से आप जा सकते हैं अगर फंडामेंटल का राइट का कोई एक्सप्लोइटेशन हो। पिट्यूटरी ग्लैंड दूसरे हार्मोन्स को भी कंट्रोल करता है, अकेला सा ग्लैंड है जो खुद हार्मोन्स निकालता है और दूसरे हार्मोन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। एलेनाइन एसिड एक अकेला एसिड है जिसका स्वाद मीठा होता है। एसिड वैसे खट्टे होते हैं लेकिन एलेनाइन एसिड मीठा होता है।
तो आपने देखा साइंस के क्वेश्चन भी आए, पीएच स्केल के क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं और जा सकते हैं। तो आप याद रखिएगा पीएच स्केल की वीडियो मैंने डाली हुई है और आवर्त सारणी की वीडियो देख के जाइएगा, जो 5 वीडियो मैंने डाली हुई है। एल्डिहाइड इनमें से कौन सा है? प्रोपोनॉल एल्डिहाइड है। ये बेस था ऑप्शन के आधार पर जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव, जैन धर्म बौद्ध धर्म के संस्थापक, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और इसकी एक एक वीडियो पूरी बना के मैंने प्लेलिस्ट में डाली हुई है, ए टू जेड करेंस की प्लेलिस्ट में जाके आप इसे देख सकते हैं। रेजिडुअल पावर्स कहां से ली गई है? कनाडा से ली गई है। कैटेनायन सबसे ज्यादा किसमें एलिमेंट में होता है? कार्बन में कैटेनायन सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि कार्बन सभी से अपना रिएक्शन कर लेता है। बादाम पहाड़ आयरन ओर कहां पे सिचुएटेड है? उड़ीसा में है। बादाम पहाड़ आयरन ओर उड़ीसा में है। कौन सी रानी मुगल आर्मी से लड़ी थी और बैटल ऑफ गोंडवाना बोला जाता है और अपने राज ग्रह कटंगा को 1564 में बचाया था अकबर से, और यह अकबर के समय कौन सी रानवती लड़ी थी? यह था नाम रानी दुर्गावती, अकबर से लड़ी थी। अगेंस्ट विच जज सुप्रीम कोर्ट फॉर इम्पीचमेंट मोशन इज इनिशिएटेड? इनके खिलाफ इनिशिएट किया गया था, लाया गया था, लेकिन पास नहीं हुआ था, वी रामास्वामी, और पास हुआ था सुमित्रा सेन के नाम इम्पीचमेंट हो चुका था सुप्रीम कोर्ट में। सुंदरी ट्री सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट है, फ्लोटिंग रूट्स होते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग सिटी इज नॉट इन द वर्ल्ड रैंक अकॉर्डिंग टू कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे? गुड़गांव को, जिसे हम गुरुग्राम के नाम से जानते हैं, लिविंग सर्वे में, कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे में गुरुग्राम का नाम नहीं है, क्योंकि यहां पे पॉल्यूशन ज्यादा है। मेटलॉइड कौन सा है? सिलिकॉन को मेटलॉइड बोलते हैं। सुंदरी नंदा इंडिया की पहली डीजीपी है, पुद्दुचेरी की है। आपने सुना होगा आईपीएस ज्योति किरण बेदी, वो पहली आईपीएस थी, वो पुद्दुचेरी की गवर्नर है इस समय, और सुंदरी नंदा पहली डीजीपी बनी है, महिला डीजीपी, हाईएस्ट पोस्ट होती है किसी भी स्टेट की, पुद्दुचेरी में बनी है। जे जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, जे जे थॉम्सन को। 38वीं जीबी बॉक्सिंग चैंपियनशिप फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में कविंदर सिंह बिस्ट ने जीती थी। मलिमथ कमेटी किससे रिलेटेड है? ये क्रिमिनल रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से रिलेटेड है, मलिमथ कमेटी। इंडो इंड कारपेट एक्सरसाइज कहां हुई? भारत और इंडोनेशिया के बीच होती है, और ये 33वीं बार पोर्ट ब्लेयर में हुई, और ये आया था कि कौन सी भी बार हुई, 33वीं बार हुई है ये। मार्शल आर्ट थोड़ा THODA नाम की मार्शल आर्ट कहां की है? हिमाचल प्रदेश की है। फॉर्म किस देश का राज्य का फोक डांस है? फॉर्म नागालैंड का फोक डांस है। मूसी और भीमा नदी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है मूसी और भीमी। वाडिया डिनेस्टी किस किंगडम से रिलेटेड है? मैसूर किंगडम से रिलेटेड है। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। ड्राई आइस किसे बोलते हैं? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं। आपने देखा होगा SSC GD की मैंने कम से कम 50 वीडियो डाली हुई हैं, सारे क्वेश्चन SSC GD वाले भी रिपीटेड आ रहे हैं, तो वो सारी वीडियो भी आप देख लेंगे ए टू जेड के चैनल पे, तो आपका काम हो जाएगा SSC CGL के लिए। मैथिल प्रोपेन आइसोमेर है किसका? ब्यूटेन का आइसोमर है। 2022 के एशियन खेलों में नया खेल कौन सा होगा? क्रिकेट को 2022 के एशियन गेम में लिया गया। जी के तसले में डालिए, मैं बता चुका हूं गुलाम वंश पहले आया था, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी वंश। टाइम जोन 7:30 से डिवाइड होना चाहिए, भारत का टाइम जोन है 82.5 डिग्री ईस्ट। सबसे ज्यादा टाइम जोन किस देश में है? रूस में है। सबसे बड़ा देश भी है, 11 टाइम जोन है रूस में। मुगल साम्राज्य 1526 से लेकर 1857 तक रहा, लगभग 300 साल से ज्यादा। राजबब्बर कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा था, पहले ये समाजवादी पार्टी में थे। 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध धर्म के अंगुतर निकाय से पता लगता है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का हेड ऑफिस कुवैत में है। 2019 के स्पेशल ओलंपिक आबू धाबी में आयोजित किए गए थे। 2017-18 का रणजी ट्रॉफी विदर्भ ने महाराष्ट्र को हराकर जीता था, विदर्भ ने यह चैंपियनशिप जीती। यूनिफॉर्म सिविल कोड अनुच्छेद 44 में आते। वर्तमान में नई कंपनी जो महारत्न का नव दर्जा मिला है वो है BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इससे पहले भेल और गेल को महारत्न मिला था 2013। सबसे बड़ा रिवर आइलैंड कौन सा है? माजुली द्वीप।
ब्रह्मपुत्र नदी असम में सबसे बड़ा आइलैंड द्वीप माना जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था? 1973 में स्टार्ट हुआ था। सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल सभा की पहली महिला महासचिव बनी थी और ये जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था? महमूद गजनवी ने किया था 1001 से 1025 के बीच और 17 बार उसने आक्रमण किया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था और ये गोलमेज सम्मेलन के बाद हुआ था। सिक्किम का फोक डांस कौन सा? मास्क डांस सिक्किम का एक फोक डांस है। बैकाल झील कहाँ है? रशिया में। कोलंबिया की राजधानी पूछा गया था बगोटा में। तो सीएम कैपिटल ये मैं आपको हर समय करंट अफेयर्स में करा देता हूं। अगर करंट अफेयर्स रोजाना देखते हैं, पिछले 300 दिनों से मैं लगातार आपको करंट अफेयर देता आया हूं, उन्हें जरूर देखेगा A2Z का इसके यूट्यूब चैनल पे। संस्थापक इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब। पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका की थी। पूरे वर्ल्ड में पहली महिला प्रधानमंत्री बनी श्री माओ भंडार नायके जो श्रीलंका की थी। तेंदुलकर समिति किससे रिलेटेड है? सुरेश तेंदुलकर इसके चेयरमैन थे, ना कि सचिन तेंदुलकर। गरीबी रेखा से रिलेटेड थी। फुटबॉल के कप संतोष ट्रॉफी, नेशनल ट्रॉफी या संतोष ट्रॉफी, फुटबॉल का नेशनल कप है भारत का। इडुकी डैम कौन सी नदी पर है? पेरियार नदी पर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? रंजन गोगोई। और ये बहुत इजी क्वेश्चन था। असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक सबसे बड़ी ट्रेन चलती है, इसका नाम है विवेक एक्सप्रेस, सबसे लंबी ट्रेन है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन है? फातिमा बीबी। आईसीसी का हेड ऑफिस कहाँ है? दुबई में। 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप इंग्लैंड और वेल्स में होने जा रहा है, बल्कि चल रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से ट्रेन 18 को जाना जाता है, यह सबसे फास्ट ट्रेन है भारत की। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन का नाम क्या है? वीके यादव या विनोद कुमार यादव, ये इसकी फुल फॉर्म है विनोद कुमार यादव। जीएसटी सबसे पहले किस देश ने लगाया? फ्रांस ने 1954 में। और जीएसटी की वीडियो दे चुका हूं मैं, जीएसटी के बारे में आपको जीके ट्रिक्स, हिंदी जीके ट्रिक्स के नाम से एक फोल्डर है, उसमें मिल जाएगा A2Z क्लास में। कजाकिस्तान की नई राजधानी नूर सुल्तान, वहां के राष्ट्रपति रहे 20 साल तक, उनके नाम पे अस्ताना का नाम बदलकर नूर सुल्तान कर दिया गया, कजाकिस्तान की राजधानी। 1526 में पानीपत का पहला वार हुआ था, बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। इसको टाटा की कंपनी कब स्थापित हुई थी? जमशेदपुर में हुई थी 25 अगस्त 1907। नोवाक डजोकोविक ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट जीता है इस बार का, नोवाक डजोकोविक ने 2019 का। इंडियन ओशियन को ट्रायंगल शेप में माना जाता है, क्योंकि इंडियन ओशियन भारत के साउथ में है तो ये ट्रायंगल शेप में माना जाता है। बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था? शशांक नाम के राजा ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। G20 शिखर सम्मेलन कहां हुआ था? अर्जेंटीना के ब्यूनस एयर्स में हुआ था और अगला G20 जापान में होने जा रहा। गीत गोविंद पुस्तक किसने लिखी? जयदेव ने लिखी। सबसे बड़ा क्षेत्रफल में रशिया है और पॉपुलेशन में चाइना है, सबसे बड़ा देश पूछा गया था। फेसबुक के फाउंडर पूछे गए मार्क जुकरबर्ग। तो आज तो सबसे ज्यादा इजी शायद पेपर आया हो, तो आगे उम्मीद है अगले पेपर शायद मॉडरेट या हार्ड जाएंगे, फिर नॉर्मलाइजेशन जाता है। आज का पेपर बड़ा इजी था। GPS की फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इससे आपको रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे, मैंने आपको बता दिया है। SSC GD की जो मेरी 50 वीडियो है वो जरूर देख के जाइएगा, हर डे की वीडियो है, उसी में से सारे क्वेश्चन रिपीटेड आए हैं। पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के CM है। गोवा के CM आए थे प्रमोद सावंत, दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल और झारखंड के CM रघुवर दास। ये मेरा प्रोफाइल है अनअकैडमी पे, इसे फॉलो कीजिए, यहां पे भी आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी बिल्कुल फ्री। और ये मेरा चैनल है यूट्यूब जरिया, सब्सक्राइब करना ना भूले। कल फिर हम लेके आएंगे 5 जून का CGL का ऑल 3 शिफ्ट की GK 100 GK सबसे पहले आपके लिए पेश है A2Z करियर चैनल की तरफ से। गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। विल मीट टुमारो, टिल देन बाय।